बीते दिन गढ़शंकर नज़दीक पिंड चौड़ा विखे एक परिवार वालों पिंड चौड़ा दे ही एक बाबा दिलवर राम उपर वहमां भरमां विच पा के लखां रुपए की ठगी मारन के गंभीर दोष लगाए सन, जिस तों बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस पासों उक्त बाबे खिलाफ़ कार्रवाई करन की गुहार भी लगाई सी। इस सारे मामले तो बाद उक्त बाबे ने चुप्पी तोड़ते हुए पिंड के मोहतवरां की मौजूदगी मीडिया सामने आ के अपने उपर लगे इन्हां दोषां नूं सिरे तों खारिज किया है। हुण उसने दस्या कि उसने परिवार नाल कोई भी ठगी नहीं मारी अते ना ही उन्हां दी लड़की दा रिश्ता तोड़िया है। उसने कहा कि उक्त परिवार दी लड़की दे व्याह लई उस परिवार वलों ही उसनू विचोला बनाया गया सी। बाबे मुताबक उक्त परिवार ने 5 लाख रुपए सहारा कंपनी विच लगाए सन। उन्हां कहा कि उक्त परिवार हुण जानबुझ के ही उसनू मानसिक तौर ते परेशान कर रहा है, जिस दी शिकायत उसने थाना गढ़शंकर विखे भी कीती है। मेरा नाम दिलवर राम जी, पिंड मेरा चौड़ा जी। 25 लाख की खबर जी चलती आ, ये गलत मेरे ते इल्जाम ला रहा है। 5 लाख रुपया लिया उन्होंने सहारा कंपनी के लवाया आ जी। उन्होंने कुड़ी की थी वो गलबात चलती, मुंडे की तो आपस में ही कुड़ी की गलबात दोहां दी गलबात चलती थी जी। उन्होंने मेरे इतने जगह पर मत्था टेकन आते थे, मैंने उन्होंने यह गल कही भी तुम भी इन्हें ब्याह करा दो, मेरा कुड़ी का ब्याह करा दो। वो माँ ने भी कहती थी कुड़ी की, तो मुंडे का भी उधरों मुंडा भी कहता भी मैं ब्याह इन्हें कराना है जी। तो इस तो बाद जी फिर उन्होंने ब्याह भी रख लिया जी। उन्होंने आप ही देख दिखाइया करके जी रहा, उन्होंने दोहां ने जाने ने देख दिखाइया किया। उन्होंने कहा भी मैनू मुंडा ठीक आ, कुड़ी ने भी गलबात कराई वे मैनू मुंडा ठीक वा। मुंडे ने कहा भी मैनू कुड़ी पसंद वा ठीक है जी। मुंडा इतों तैयार करके लै गया जी, लिजा के जी मारे उधरले पासों घुमा के लिया जी। मुंडा जो फिल्म वाला कहता जी, मुंडा कहें घुमा के लिया जी फिल्म बनानी है जी। उस तो बाद फिर जिस वेले लिया के सगन पाने वेले लगे हैं जी, बहालन लगे मुंडे नूं। सगन पाने वेले बहालिया तो मुंडा उन्हें उस वेले जवाब जिस वेले बहालिया तो मुंडा कहता जी मैनू घबराहट होंदी है जी। तो उस वेले 10 मिनट अटक के उस तो बाद फिर उन्होंने कहा भी जिस वेले सगन पाने लगे कहता मैं तो नहीं जी, मैं नहीं ब्याह कराना है जी। उस तो बाद फिर उन्होंने पूछा भी जे तुहाडा खर्चा जिन्ना होया, उन्होंने मुंडे वाले पे ने कहा भी जिन्ना खर्चा होया तुहाडा मैं खर्चा मैं देनदार वा, मेरे मेरे मुंडे की गलती मेरे मुंडे की आ। जिस वेले कुड़ी का भी सानू 30 लाख रुपया दवो फिर जान देने आ। उस तो बाद फिर 30 लाख तो फिर बाद आ गया जी, फिर 20 तो आ गया, 20 तो आके फिर वह 5 लाख तो आ गया जी। 5 लाख तो आके फिर वह जी असी 3.5 लाख रुपया उन्होंने दवा रहे थे, उन्होंने लिया नहीं जी। उस तो बाद वह उठ के चल गए जी। उधर पिंड वासियों का कहना है कि इस मामले बारे उन्होंने कुछ भी नहीं पता, जबकि वह तो सिर्फ गुरुद्वारा श्री गुरु रविदास जी प्रबंधक कमेटी के मैंबर ने। उन्होंने कहा कि उक्त मामला पैसे दे लैन देन का नहीं बल्कि विआह नूं लैके ही मामला बिगड़िया है, अते उन्होंने सिर्फ मीडिया तो आई खबरों तो ही पता लगा सी। ते साडे कोल कुड़ी वाले आए सके जी, वह कहिंदे असी गुरुद्वारा साहब विखे आनंद कारज कराउणे आ, ते साडे मतलब 2-4 दिनों तक विआह है। मैं कोई गल नहीं जी, तुसीं आनंद कारज कराओ। तो असी आनंद कारज जिद्दण इत्थे बरात आई आ, तो बरात आ गई, उन्होंने सानू कहा वे आ जाओ अरदास करनी है जी। अरदास करन वेले जदों इत्थे असी आए, वह पहले इत्थे रौला पिया सी, पर रौला आ के पुछिया क्यों रौला पाउंदे आ तुसीं, जां रौला दी गल सानू पता लगी। वह कहिंदे जी मुंडा मुकरदा है, विआह नहीं कहिंदा कराउणा। तो असी भी फिर मनाया मनुया मुंडे नूं, मन्निया नहीं हैगा, अंदर वड़ गया, अंदर जाके उन्हें अपने सिरे सुरे लाते, तो बस मुड़ के सानू नहीं जी पता लगा। साढ़े जिहड़े हैड ग्रंथी आ बाबा केवल सिंह जी, वह भी मेरे नाल आए सके, तो उन्होंने भी देखा भी इतने तो इन्हों का हुण रौला पै गया। वह कहिंदे डाक्टर साहब आप चलते हैं घर नूं, हुण की करना इत्थे, तो आप बाद चले गए जी। सानू बाद चो कोई पता नहीं लगा, बाकी बाबे की जिहड़ी खबर आ सानू नहीं पता कि बाबे की 25 लाख की खबर चलाई जाते हैं, मीडिया से खबर चली जाती है, ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਵੀ ਆਹ ਚੱਕਰ ਪਏ। ਉਧਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਵੀ ਲੜਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਜੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਦਿਲਵਰ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦਿਲਵਰ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਕੁੜੀ ਵੀ ਮੰਨ ਗਈ, ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਮੰਨ ਗਈ, ਸਗਨ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੂੰ ਬਿਹਾਰ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖ ਲਾ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹਦਾ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਸਗਨ ਪਾਉਣ ਉਹ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜੀ, ਮੁੰਡਾ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਸਭ ਵਿਚੋਲੇ ਸੀ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ,